Hello students, in today's class we are going to learn 6th standard science lesson number 15, that is fun with magnets. So इसमें हम पढ़ने वाले हैं मैग्नेट के बारे में. मैग्नेट के बारे में आप जानते होंगे, ठीक है, कि वो लोहे से चिपक जाता है, आयन से चिपक जाता है, ठीक है. उससे आप खेले भी होंगे और उसका यूज़ भी देखते होंगे, कितना ज़्यादा उसका यूज़ भी होता है हमारे घरों में. सो देखते हैं इसके बारे में डिटेल में. Pins in a pin holder do not fall even when it is held upside down. Why is this so? Next one is, while we are shutting the door of a fridge, we find that it closes automatically from a certain distance and does not open unless pulled again. So why is this so? So a magnet is used in these gadgets. A magnet is fitted in the cap of a pin holder and in the door of a fridge, iron object stick to a magnet. तो इन दोनों का आंसर देखो यहाँ पे बताया कि एक यहाँ पे इन गैजेट्स में जो जिसकी हमने बात की, इस बॉटल की बात करें या ये पिन की बात करें या फिर फ्रिज की बात करें, तो इन गैजेट में क्या होता है, मैग्नेट फिट किया होता है, ठीक है. क्या किया होता है, मैग्नेट फिट किया होता है यहाँ पे, ये कैप पे. ये क्यों नहीं गिरा पूछा यहाँ पे, कि ऐसे उल्टा करने पे भी ये गिरा नहीं, तो क्यों, क्योंकि इस कैप के ऊपर ऑफ अ पिन होल्डर, ये जो कैप है इसके ऊपर क्या किया है, यहाँ पे मैग्नेट लगाया हुआ है, जिसकी वजह से ये ऊपर स्टिक हुए हैं, इधर गिर नहीं रहे हैं. और अगर हम फ्रिज की बात करें तो इसके डोर में अगर हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे ये जो अंडर का पार्ट होता है यहाँ पे, हम इतना दूरी रहता है तभी ये फ्रिज अपने आप ही बंद हो जाता है. तो क्यों ऐसा होता है, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेट का यूज़ हुआ है, इसके लिए वो एक दूसरे से अट्रैक्ट होकर चिपक जाता है उसमें. सो आयन ऑब्जेक्ट स्टिक टू अ मैग्नेट, तो यहाँ पे जो आयन ऑब्जेक्ट होते हैं वो मैग्नेट में स्टिक हो जाते हैं. तो अगर एक साइड यहाँ पे मैग्नेट लगा है और इस साइड आयन का है, तो ये तो स्टिक हो ही जाएगा ना. जैसे कि यहाँ पे इस पे आयन लगा है, सॉरी मैग्नेट लगा है और ये आयन का है ये पिंस, तो इस पे ये स्टक रहेगा, स्टिक रहेगा, इससे गिरेगा ही नहीं. सो इसके लिए ये नहीं गिरता है. अब मैग्नेट क्या है वो देखते हैं. द मटीरियल टू विच ऑब्जेक्ट मेड फ्रॉम आयन, निकल, कोबाल्ट एट्सेट्रा गेट अट्रैक्टेड इज कॉल्ड अ मैग्नेट. सो वो मटीरियल जिनसे कौन कौन से ऑब्जेक्ट, आयन, निकल, कोबाल्ट, ये सारे ऑब्जेक्ट अगर क्या अट्रैक्ट होते हैं, इसे ही क्या कहते हैं, मैग्नेट. मतलब कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जिससे निकल, आयन, कोबाल्ट, ये सारी चीज़ें अट्रैक्ट हों, तो वही चीज़ क्या होती है, मैग्नेट होती है. सो दिस प्रॉपर्टी ऑफ अ मटीरियल इज़ कॉल्ड मैग्नेटिज्म. तो ये जो प्रॉपर्टी है, इसमें जो ये क्वालिटी है दूसरों को अट्रैक्ट करने की अपने तरफ, दूसरे मतलब कि निकेल, कोबाल्ट, आयन को, इसी को क्या कहा जाता है, मैग्नेटिज्म. इसके अंदर मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी है जो आयन, निकेल, कोबाल्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और इसे चिपक जाते हैं ये सारे ऑब्जेक्ट्स. यहाँ पे कुछ एक्टिविटी दी है, देख लेते हैं. टेक अ मैग्नेट फ्रॉम द लेबोरेटरी एंड ब्रिंग इट नियर वेरियस ऑब्जेक्ट्स इन योर यूज़. सो आपको क्या करना है, आपको मैग्नेट लेना है लेबोरेटरी से या फिर आपको किधर से भी मिल जाए, तो आपको अलग अलग ऑब्जेक्ट से, वेरियस ऑब्जेक्ट मतलब कि अलग अलग ऑब्जेक्ट से के साथ इसको यूज़ करना है. विच ऑफ देम स्टिक टू द मैग्नेट, बहुत सारे आपको ऑब्जेक्ट लेने हैं, लाइक आप पेपर ले सकते हो, प्लास्टिक ले सकते हो, आयन ले सकते हो, निकल ले सकते हो, कोबाल्ट ले सकते हो, स्टील ले सकते हो, स्टेनलेस स्टील ले सकते हो, पत्थर ले सकते हो, ये सारी चीज़ें आप लो और देखो कि इसमें से कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स इससे स्टिक हुए. व्हाट मटेरियल इज़ ईच ऑफ देम मेड ऑफ, और जो चीज़ें स्टिक हुई इस मैग्नेट से वो किन चीज़ों से मिलके बनी है, लाइक प्लास्टिक की थी वो या आयन की थी वो, निकल की थी वो, जो चीज़ें स्टिक हुई इसमें वो ऑब्वियसली वो किसकी बनी होंगी, आयन, निकल या कोबाल्ट से, तभी वो मैग्नेट में चिपक सकती हैं. ओके, सो ऑब्जर्व दीज थिंग्स केयरफुली, क्लासीफाई द ऑब्जेक्ट्स इंटू टू ग्रुप्स, दोज विच स्टिक टू द मैग्नेट एंड दोज विच डू नॉट. तो आपको दो यहाँ पे क्या करने हैं, आपको दो कैटेगरी बनानी है, एक वो जिसमें वो स्टिक हो गई, चिपक गई मैग्नेट में, एक वो जिसमें नहीं चिपकी. तो आपको इस तरीके से दो आपको बनाना है, जैसे कि दो आपको कैटेगरी बनानी है. टेक अ मिक्सचर ऑफ सैंड, पीस ऑफ पेपर, sawdust, iron, filings एंड पिंस इन अ saucer एंड पास अ मैग्नेट अराउंड द मिक्सचर, what डू यू सी. तो यहाँ पे आपको क्या क्या लेना है, सैंड लेना है, पीस ऑफ पेपर लेना है, एक आपको इसमें डिश में, ठीक है. सो आपको एक डिश में क्या लेना है, ये सारी saucer मतलब इस तरीके से थाली लेनी है, उसमें ये सारी चीज़ें रखनी है और फिर क्या करना है, मैग्नेट को इसके चारों तरफ इस तरीके से घुमानी है. तो आप क्या देखोगे इसमें आप देखोगे जितने भी चीज़ें आयन की होंगी ना, लाइक वो किल हों, नेल्स हों या फिर इसमें
जो आयन नेल्स नेल्स होंगे या फिर आयन जो फाइल्स होंगे वो इसमें क्या होंगे, स्टिक हो जाएंगे, लेकिन इसमें जो कागज़ वगैरह रहेंगे या जो सैंड रहेंगे वो इसमें स्टिक नहीं होंगे। सो टू आइडेंटिफाई द मैग्नेटिक मटीरियल्स वी यूज़, तो इसमें मैग्नेटिक मटीरियल क्या है, ये जो इससे स्टिक हुए वही मैग्नेटिक मटीरियल है, बाकी ये सारे के सारे मैग्नेटिक मटीरियल नहीं है। द मटीरियल्स दैट स्टिक टू अ मैगनेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटीरियल, जो इससे स्टिक हो गए, जो चिपक गए वो क्या होते हैं, उसको क्या बोला जाता है, मैग्नेटिक मटीरियल। यहाँ पे हमने देखा ना, इसे टू पार्ट में डिवाइड किया गया, टू ग्रुप में, तो पहला एक मैग्नेटिक ग्रुप और दूसरा नॉन मैग्नेटिक ग्रुप। तो जिस जो मैग्नेट से चिपक गए वो होता है मैग्नेटिक मटीरियल्स, और जो नहीं चिपके वो होता है नॉन मैग्नेटिक मटीरियल। सो वाइल दोज दैट डू नॉट स्टिक टू अ मैग्नेट आर कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक मटीरियल, सो वो सारे ऑब्जेक्ट जो कि मैग्नेट से नहीं स्टिक हुए वो कहलाते हैं नॉन मैग्नेटिक मटीरियल। सो द मेटल्स आयन कोबाल्ट निकल आर मैग्नेटिक मटीरियल, सो वो मेटल्स जैसे कि आयन कोबाल्ट निकल ये सब क्या होते हैं, मैग्नेटिक मटीरियल, क्योंकि ये मैग्नेट से स्टिक हो जाते हैं। और बाकी के जो कागज़ हैं, जो सैंड है, जो प्लास्टिक है, ये सब क्या होते हैं, नॉन मैग्नेटिक मटीरियल होते हैं, क्योंकि वो स्टिक नहीं होते मैग्नेट से। अच्छा, अब मैग्नेट आया कहाँ से, ये मिला कैसे, इसका नाम कैसे पड़ा, वो सारी चीज़ें हम देखते हैं। सो इन द पास्ट इसकी कहानी देखते हैं, स्टोरी देखते हैं, इसकी कैसे डिस्कवर हुआ मैग्नेट। सो देयर इज़ अ लेजेंड अबाउट द डिस्कवरी ऑफ मैग्नेट, तो यहाँ पे एक स्टोरी है, लेजेंड है कि किस तरीके से मैग्नेट की डिस्कवरी हुई, कैसे खोजा गया। इट इज़ सेड दैट अ शेफर्ड नेम्ड मैग्नीस लिव्ड इन ग्रीस, तो एक शेफर्ड था, शेफर्ड मतलब क्या, वो जो गाय वाय चराते हैं, जो शेप या गोट मतलब चराने लेके जाते हैं, चरवाहे जो होते हैं उनको बोला जाता है शेफर्ड। सो उसका नाम क्या था, मैग्नीस, कहाँ का था वो, ग्रीस का, तो ग्रीस का एक पर्सन था जिसका नाम था मैग्नीस, तो वो एक शेफर्ड था, उसका ऑक्यूपेशन क्या था, वो शेफर्ड था। ओके, सो वंस वाइल हिज शीप वर ग्रेजिंग, तो एक बार जब उसके जो शीप थे जो लेके गया था वो चर रहे थे, ग्रेजिंग मतलब चर रहे थे, घास खा रहे थे फील्ड में। सो ही सेट डाउन ऑन अ बिग रॉक, तो वो क्या किया, एक बिग रॉक पे इस तरीके से बैठ गया, और ये देखो यहाँ पे उसके माउंटेन पे ये लोग, इसके जो शीप हैं वो ग्रेजिंग मतलब घास चर रहे हैं। ही सेट डाउन अ बिग रॉक बट वॉट अ सरप्राइज ही गॉट वेन ही टायर्ड ट्राइड टू गेट अप ही स्टफ एंड ही शूज वर स्टक टू द रॉक। सो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही वो बैठा हुआ था लेकिन जब वो उठने के लिए ट्राई किया उसने, तो वो क्या हुआ, वो सरप्राइज हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो उसके शूज़ थे वो और जो उसके स्टाफ थे, जो ये था जो लकड़ी था जो उसने लिया हुआ था, क्योंकि इसमें भी क्या लगा था, उसमें भी आयन लगा हुआ था, तो उसमें क्या हो गया, स्टक मतलब चिपक गए उसमें, एकदम से स्टक हो गया। ही हैड टू यूज़ ग्रेट फोर्स टू पुल हिमसेल्फ अवे फ्रॉम द रॉक, तो उसने बहुत ज़्यादा फोर्स लगाया खुद को, तो वो इस रॉक से छूट पाया, मतलब कि इसमें देखो इधर से इतना ये इतना फोर्सफुली ये जोर लगा रहा है तो ये रॉक से छूट पाया, क्योंकि इसकी स्टिक भी उसमें लोहा लगा हुआ है, इसके शूज़ में भी लगा हुआ है, तो इसके लिए वो चिपक गया उसमें। ही रियलाइज दैट वॉट हैड हैपेंड वॉज बिकॉज ऑफ द आयन फेरल ऑन हिज स्टाफ एंड द आयन नेल्स इन हिज शूज़, तो उसने रियलाइज़ किया कि ऐसा क्यों हुआ कि उसके इसमें ये चिपक गया, क्योंकि उसके आयन फेरल मतलब कि उस यहाँ पे आयन फेरल लगा हुआ है, मतलब उसके जो स्टाफ उसने लकड़ी लिया हुआ था, जो छड़ी लिया था उसमें क्या लगा था, आयन का फेरल लगा हुआ था, एक पार्ट लगा हुआ था छोटा सा टुकड़ा, और आयन नेल्स इन हिज शूज़, उसके शूज़ में क्या आयन नेल्स लगे हुए थे, चिपके हुए थे नीचे से, ठीक है। हाउ एवर अदर रॉक्स डिड नॉट स्टिक टू हिज शूज़ और स्टाफ, तो वो सोचने लगा लेकिन बाकी के जो रॉक होते हैं उसमें तो उसके शूज़ या उसके स्टाफ नहीं स्टिक होते, नहीं चिपकते, तो इसमें क्यों हो गया। लेटर ही शोड द रॉक टू एवरी बॉडी, तो उसको एक वो भी सरप्राइज हुआ, वो भी मतलब कह सकते हैं अमेज्ड हुआ कि अरे ये कैसा है पत्थर है कि इसमें मेरा ये सब चिपक गया, मेरा स्टाफ भी, मेरा ये जो शूज़ है वो भी, तो उसने वो रॉक को सबको दिखाया। सो ही शोड द रॉक टू एवरी बॉडी, सबको दिखाया उसने वो कि देखो देखो ये इसमें ना मेरे शूज़ चिपक गए, मेरी छड़ी चिपक गई, पता नहीं क्यों, तो इस तरीके से वो सबको दिखाने लगा। द रॉक वॉज नेम्ड मैग्नेटाइट मैग्नेटाइट आफ्टर मैग्नीस द शेफर्ड, तो ये रॉक का नाम क्या पड़ गया, मैग्नेटाइट नाम पड़ गया वो जो, क्योंकि उसका उस शेफर्ड का नाम क्या था, मैग्नीस था, तो उसके नाम पर ही उसे मैग्नेटाइट नाम दे दिया गया, ऐसा माना जाता है कि मैग्नीस के नाम पर ही मैग्नेटाइट नाम रखा गया।
सो मैग्नेटाइट इज़ अ नेचुरल मैग्नेट. तो मैग्नेटाइट क्या होता है? एक नेचुरल मैग्नेट होता है, एक स्टोन होता है जो कि उसे किसी ने बनाया नहीं होता, वो नेचुरल होता है. जैसे कि नेचुरल क्या होता है? कोल होता है. नेचुरल क्या होता है? गोल्ड होता है. उसी तरीके से नेचुरल यहाँ पे एक स्टोन है जो कि क्या होता है? मैग्नेटाइट होता है. इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट द नेम मैग्नेट केम फ्रॉम मैग्नीशिया, द पार्ट ऑफ ग्रीस वेयर मैग्नेट वॉज डिस्कवर्ड. देखिए, इसी ग्रीस में जहाँ पर ये मैग्नेट, ये पत्थर डिस्कवर किया गया, तो वहाँ के प्लेस का नाम क्या था वहाँ पे? मैग्नीशिया. तो हो सकता है कि जो उस पर्सन का नाम मैग्नीस था, तो या तो उसके नाम से इसका नाम मैग्नेटाइट पड़ा, या तो उस जगह का जहाँ पे ये पत्थर था ना, उस जगह का नाम था मैग्नीशिया. तो हो सकता है उसके नाम पे मैग्नेटाइट पड़ा. सो ग्रीस वेयर मैग्नेट वॉज डिस्कवर्ड, तो जहाँ पे ग्रीस में मैग्नीशिया जगह था, हो सकता है उसके नाम पे मैग्नेटाइट पड़ा, या फिर मैग्नीस के नाम पे मैग्नेटाइट पड़ा. तो इस तरीके से खोज हुई, डिस्कवर हुआ मैग्नेट का. हाउ इज़ अ मरीनर्स कंपास यूज? तो जो मरीनर्स होते हैं, जो मछुआरे होते हैं, या जो वाटर में आते जाते रहते हैं, ठीक है, जो समुंदर के रास्ते ट्रेवल करते हैं, तो उन्हें कैसे वो कंपास को कैसे यूज़ करते हैं? कंपास होता नहीं होता है कंपास, तो कैसे यूज़ करते हैं? इसमें सिर्फ दो ही सुई लगी होती है, एक नॉर्थ की एक साउथ की, तो कैसे यूज़ करते हैं वो देखते हैं. इट वॉज नोन क्वाइट लॉन्ग अगो टू द पीपल इन चाइना एंड यूरोप दैट अ पीस ऑफ मैग्नेटाइट ह्यूज फ्रीली ऑलवेज सेटल्ड इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. तो ऐसा माना जाता है कि बहुत सालों पहले जो चाइना था और यूरोप था, वो क्या करते थे? अ पीस ऑफ मैग्नेटाइट, वो मैग्नेटाइट का एक पीस यूज़ करते थे, फ्रीली उसे हंग कर देते थे, मतलब लटका देते थे ऐसे ही फ्रीली, कोई दबाव नहीं होता था उस पर किसी चीज़ का, फ्रीली उस पर लटका देते थे. और हमेशा ये कौन सा डायरेक्शन बताता था वो? तो हमेशा और हमेशा ये नॉर्थ और साउथ का ये डायरेक्शन बताता था, नॉर्थ साउथ बोले तो ऐसे, ठीक है, इस तरीके से वो नॉर्थ साउथ किधर भी लटका दे, वो दोनों डायरेक्शन उसका नॉर्थ साउथ में आ जाता था. सो दीज रॉक्स देन केम टू बी यूज फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन वाइल ट्रेवलिंग थ्रू अननोन रीजन्स. तो धीरे धीरे इस रॉक्स को, मैग्नेटाइट रॉक्स, जो मैग्नेट रॉक्स है जो हमने देखा अभी किस तरीके से डिस्कवर हुआ, तो ये किस यूज़ में, किस काम में लाने लगे यूज़? तो ये यूज़ करने लगे जब वो दूसरे जगह पे वो ट्रैवल करने जाते थे अननोन प्लेस पे, तो वहाँ पे वो दिशा भूल जाते थे, मतलब डायरेक्शन भूल जाते थे कि अरे ईस्ट किधर है, इधर वेस्ट किधर है, नॉर्थ साउथ पता नहीं चलता ना. तो इस कैसे वो लोग करने लगे यूज़? तो ये कंपास का यूज़ करने लगे, इस पत्थर का यूज़ करने लगे. मतलब कि कंपास का यूज़ तो अभी होने लगा बाद में, लेकिन वो क्या करते थे? इस मैग्नेट का यूज़ करते थे, मैग्नेटाइट का यूज़ करते थे, वो उसे इस तरीके से किधर भी लटका देते थे, तो नॉर्थ साउथ का अपना बता देता था डायरेक्शन. तो नॉर्थ साउथ जब मिल जाता था, तो वो ईस्ट वेस्ट भी निकाल लेते थे, पता कर लेते थे. दैट इज़ वाई दे आर ऑल्सो कॉल्ड लोडस्टोन. तो दैट मीन्स लीडिंग स्टोन्स. सो दिस लेड टू द इन्वेंशन ऑफ द मरीनर्स कंपास. सो इस तरीके से इस पत्थर को क्या नाम दिया जाने लगा? लोडस्टोन. लोडस्टोन का मतलब कि ये लीडिंग स्टोन्स, मतलब हेल्प करता था लोगों को कि डायरेक्शन बताने में लोगों का हेल्प करता था. तो इसी तरीके से जब इसका पहले तो क्या यूज़ करते थे? वो स्टोन यूज़ करते थे, मैग्नेट यूज़ करते थे. धीरे धीरे वो क्या, इसी की तरीके से वो क्या यूज़ करने लगे? आज का जो हम कंपास देखते हैं, ये यूज़ होने लगा. मरीनर्स कंपास जो ट्रैवल करते हैं समुंदर वगैरह में, तो उनके लिए ये लेके जाते हैं वो, तो क्योंकि समुंदर में रास्ते पता नहीं चलते उनको, इतना इस तरीके से होता है, तो वहाँ पे उन्हें रास्ता नहीं पता होता, तो वो यही यूज़ करते हैं वो. या फिर जंगल में जो लोग देखते होंगे, जाते होंगे, जो आर्मी के लोग रहते हैं, तो ये वो भी कंपास यूज़ करते हैं, क्योंकि वो वहाँ पे डायरेक्शन पता नहीं चलता. इसलिए मैग्नेट कैन हैव अ वैरायटी ऑफ शेप्स डिपेंडिंग अपॉन देयर यूजेस. तो इसके अलग अलग यूजेस हैं, ठीक है, मैग्नेट के. अभी आजकल तो देखते हैं अलग अलग यूजेस हैं इसको. आप देखोगे स्पीकर में भी यूज़ होता है, कबर्ड में यूज़ होगा, ड्रॉअर में यूज़ होगा, ठीक है, तो इस तरह फ्रीज में यूज़ होगा, और जो कबर्ड होता है यहाँ पे उसमें यूज़ होगा. तो इस तरीके से अलग अलग जगहों पे यूज़ होता है, और इसका जो शेप है वो भी अलग अलग यूज़ होता है. उसके अकॉर्डिंग जैसा जगह पे यूज़ होता है, वैसा शेप भी अलग अलग तरीके का मैग्नेट यूज़ किया जाता है. सो दे आर ऑल मैन मेड मैग्नेट. लेकिन जो अभी आप देखते हो ना, ये सारे मैग्नेट्स, वो सभी के सभी वो ओरिजिनल नहीं है, मतलब कि वो नेचुरल नहीं है, वो मैन मेड हैं, ठीक है. वो वही स्टोन लेके वो ये सारी वो अलग अलग शेप में उसे बना देते हैं. फाइंड आउट वेयर द मैग्नेट शोन इन द पिक्चर बिलो आर यूज. तो कहाँ पे यूज़ होता है वो देखते हैं. बार मैग्नेट डिस्क, दिस इज़ बार मैग्नेट डिस्क. तो बार मैग्नेट डिस्क, सी बार मैग्नेट, डिस्क मैग्नेट. सो डिस्क मैग्नेट कौन सा है? तो ये देखो, ये होता है डिस्क मैग्नेट, ठीक है.
दिस मैगनेट हॉर्स शूज़, ये हॉर्स शूज़ है जैसे हॉर्स के पैर की तरह, हॉर्स शूज़ मैगनेट, रिंग शेप्ड, ये देखो ये रिंग शेप्ड है, रिंग शेप्ड मैगनेट है, सिलेंड्रिकल, ये सिलेंड्रिकल है, सिलेंड्रिकल मैगनेट, एज ऑल्सो स्मॉल बटन मैगनेट, ये स्मॉल बटन मैगनेट है, आर द डिफरेंट शेप ऑफ मैगनेट इन एवरी डे यूज़। ठीक है, तो ये भी अलग अलग तरीके का शेप अलग अलग यूज़ करते हैं यहाँ पे। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अलग अलग जगह पे भी यूज़ हुआ है, जैसे कि यहाँ पे स्पीकर पे आप देखोगे, या फिर ये जो आपको दिख रहा है इंस्ट्रूमेंट, ये कबर्ड में आप देखोगे आप, तो छोटा छोटा यहाँ पे लगा होता है। यहाँ पे बाहर से तो आपको ये लोहे का दिखेगा, ये आयरन का रहेगा, और अंदर से क्या रहेगा, ये मैग्नेट रहेगा, तो ये आराम से ईजिली स्टिक हो जाता है। और यहाँ पे देखिए ये कबर्ड हुआ या फ्रिज हुआ, ठीक है, ये कबर्ड या फ्रीज हुआ, तो ये सारी चीज़ देखो इसमें कितनी सारी चीज़ इसमें चिपकी हुई है, क्योंकि ये क्या है मैग्नेट लगा हुआ, तो इजीली ये लोहे का है तो इसमें चिपक जाता है। ओके, और ये कंपास देखिए, कंपास में भी यूज़ होता है, तो इसमें क्या लगा हुआ है, इस तरीके से राउंड लगा हुआ है ना, मतलब रिंग की तरह लगा हुआ है, सर्कल की तरह, तो इस तरीके से यूज़ होता है इसमें। सो ये सब मैन मेड मैग्नेट्स हैं। नाउ लेट्स सी अबाउट मैग्नेटिज्म, व्हाट इज़ मैग्नेटिज्म। So when a magnet attracts an object, that object is displaced due to the magnetic force. तो देखिए जब कोई भी ऑब्जेक्ट को मैग्नेट अट्रैक्ट करता है, सो उस ऑब्जेक्ट का मतलब कि क्यों ऑब्जेक्ट करता है, क्योंकि उसके अंदर मैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फोर्स है, और अपने मैग्नेटिक फोर्स की वजह से ही वो किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। अब किसी भी ऑब्जेक्ट का मतलब जैसे कि मैंने पहले बताया आयन, निकल, कोबाल्ट, उन सबको, बाकी चीज़ों को नहीं। सो इन प्लेसेस लाइक फैक्ट्रीज, पोर्ट्स, गार्बेज डिपोर्ट्स, लार्ज ऑब्जेक्ट्स आर शिफ्टेड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। फॉर दिस पर्पस क्रेन्स विद मैग्नेट आर यूज्ड। देखिए जो क्रेन होता है वहाँ पर क्या उसमें क्या यूज़ होता है, मैग्नेट भी यूज़ होता है, ताकि जो गार्बेज वगैरह होता है, जो बड़े बड़े लोहा वगैरह उठाना पड़ता है, तो ईजिली उसमें स्टिक रहे और चिपका रहे, उसमें बड़े बड़े ये सारी चीज़ें उसमें से उठाई जा सके, अपलिफ्ट की जा सके, नीचे उतारी जा सके। इसके लिए उसमें आयन के साथ में उसमें क्या लगा होता है, मैग्नेट भी लगा होता है। क्रेन्स विद मैग्नेट आर यूज, तो उसमें मैग्नेट भी यूज़ किया जाता है। वर्क इज़ डन बाय मैग्नेटिक फोर्स, तो वर्क कैसे डन किया जाता है, कैसे कंप्लीट किया जाता है, तो मैग्नेटिक फोर्स की वजह से। मैग्नेटिक मैग्नेट में इतना मतलब कह सकते हैं एक ताकत होती है, एक उसमें एनर्जी होती है कि वो किसी चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे अगर ज़्यादा इसमें अगर मैग्नेट लगा हुआ है, तो कोई बड़ा अगर भारी लोहे का सामान है तो उसे ज़्यादा उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये तो अपने आप ही उसे अपलिफ्ट कर लेगा। ठीक है, मतलब जितना उसका वेट रहेगा, थोड़ा सा और पास में करेंगे तो ईजिली वो हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए तो बड़े बड़े फैक्ट्रीज़ में, पोर्ट्स में, पोर्ट्स मतलब देखते हैं जो शिप होता है वहाँ पे, गार्बेज डिपोज जहाँ पे होता है, तो ये सारी चीज़ों के लिए यहाँ पे आयन के जो क्रेन के साथ साथ मैग्नेट भी यूज़ किया जाता है। सो दिस शोज़ द मैग्नेटिज्म इज़ द काइंड ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि मैग्नेटिज्म इज़ अ काइंड ऑफ एनर्जी, तो मैग्नेट में एक तरीके का एनर्जी है, जो कि लोहा कितना वजन होता है, निकल कोबाल्ट भारी होता है, तो उन सब चीज़ों को ईजिली हम उसे अपलिफ्ट कर सकते हैं, उठा सकते हैं, कैसे, तो विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट। तो यहाँ पे एक्टिविटी दी गई है, देखते हैं। डिटरमाइन द डायरेक्शन इन द क्लास और लेबोरेटरी, टाई अ थ्रेड टू द सेंटर ऑफ अ बार मैग्नेट एंड हैंग इट फ्रॉम अ स्टैंड, नोट द डायरेक्शन इन विच द मैग्नेट सेटल एंड टर्न इन अराउंड अगेन, लेट इट सेटल एंड नोट द डायरेक्शन, डू दिस मेनी टाइम्स फॉर यू टू ऑब्जर्व। देखिए बहुत ही अच्छी और सिंपल सी एक्टिविटी दी गई है आपको, अगर ऐसा स्टैंड नहीं मिल रहा है तो आप किसी लकड़ी पे या फिर किसी पेड़ पे भी इस तरीके से आप बना सकते हो, या इजीली आप इस तरीके का कोई स्टैंड बना सकते हो लकड़ी को, दो लकड़ी को इस तरीके से करके। तो आपको क्या करना है, एक मैग्नेट बार लेना है, जिसको कि आपको एक थ्रेड की हेल्प से आपको इस तरीके से फ्रीली छोड़ दो आप ऐसे ही बांध के, और इसे चाहो तो आप ज़ोर से घुमा दो, तो आप देखो कि ये किस डायरेक्शन में ये जाके एंड रुकता है। ठीक है, तो आप देखोगे तो ये हमेशा और हमेशा नॉर्थ साउथ में ही ये रुकेगा। ठीक है, एक नॉर्थ पोल पे, एक एंड इसका नॉर्थ पे होगा, एक साउथ का, एक साउथ पे होगा। ठीक है, इसी तरीके से हमेशा वो रुकेगा, ना तो ये ऐसे रुकेगा, ना तो ये ऐसे रुकेगा, ना तो ये ऐसे रुकेगा, हमेशा और हमेशा नॉर्थ साउथ पोल पे ही, नॉर्थ साउथ जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में आके ये रुकेगा। इसका जो एंड है ये नॉर्थ साउथ पोल है, और ये इसी डायरेक्शन में हमेशा नॉर्थ साउथ की तरफ ही ये इसका डायरेक्शन रहेगा। सो अ मैग्नेट ऑलवेज सेटल इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, तो कितना भी घुमा लो उसे, कितना भी घुमा लो, बार बार घुमाओ, कितनी भी बार घुमाओ, वो हमेशा और हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही आके रुकेगा।
ठीक है, जो उसका पोल है, जो एंड है, तो एंड क्या है इसका, इसका एंड तो ये है ना, ये देखिए ये पोल और ये पोल, तो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। हमेशा और हमेशा कितना भी घुमा दो इसको, सपोज़ कि अभी ये नॉर्थ साउथ में है ना, तो फिर से घुमा दो, सोचो कि इस साइड है लेकिन नहीं आएगा, फिर से इसी डायरेक्शन में आके रुकेगा, क्योंकि नॉर्थ साउथ पोल मैग्नेट का हमेशा दो पोल होता है, पहला नॉर्थ और दूसरा साउथ पोल होता है, और वो हमेशा नॉर्थ साउथ ही पोल में ही वो रुकता है। मैंने आपको बताया जो कंपास में यूज़ किया जाता है, तो एक नॉर्थ दो ही होता है इसमें सुई, एक नॉर्थ को इंडिकेट करता है, एक साउथ को, ठीक है, क्योंकि इसमें मैग्नेट लगा होता है, तो जब नॉर्थ साउथ पता हमें चल जाता है तो हमें ईस्ट वेस्ट का पता चल ही जाता है। ओके, तो मैंने आपको बताया कि नॉर्थ साउथ किधर होता है, तो इधर जैसे एक लाइन खींचा आपने, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, तो नॉर्थ साउथ आपको पता चल गया तो ईस्ट वेस्ट पता चल ही जाएगा ना। सो द एंड ऑफ अ मैग्नेट दैट पॉइंट्स टू द नॉर्थ इज कॉल्ड द नॉर्थ पोल, वाइल द एंड दैट पॉइंट्स टू द साउथ इज कॉल्ड द साउथ पोल। देखिए, तो मैंने आपको बताया कि जैसे कि ये मैग्नेट है, तो इसका एक पार्ट यहाँ पे लिखा भी होता है, मार्क रहता है, यहाँ पे मार्क रहता है नॉर्थ एंड साउथ, इस तरीके से दो पोल होते हैं इसके, तो दोनों पोल पे यहाँ पे मार्क्ड होता है। सो द नॉर्थ पोल इज़ इंडिकेटेड बाय एन एंड द साउथ पोल बाय एस। सो सेकेंड पॉइंट क्या है, प्लेस सम आयरन फाइलिंग्स ऑन अ शीट ऑफ पेपर एंड पास अ बार मैग्नेट ओवर देम। क्या करना है आपको, आयरन फाइलिंग्स, आयरन फाइलिंग्स का मतलब क्या होता है, जो आयरन का चूरा होता है ना, एकदम स्मॉल पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स एकदम, देखिए जैसे कि ये होता है आयन का स्मॉल पार्टिकल जो होता है आयन फाइलिंग, तो आयन फाइलिंग लिखा हुआ है ना, आयन फाइलिंग्स, तो एक शीट पे आपको क्या करना है, आपको रखना है आयन फाइलिंग्स रखना है, और क्या करना है उस पर मैग्नेट को रखना है, उसके ऊपर घुमाना है, घुमाना है उसके ऊपर, ठीक है। पिक अप द बार मैग्नेट बाय होल्डिंग इन द सेंटर, सेंटर में रख दो, और मतलब कि पहले घुमा दो और फिर सेंटर में रख दो वहीं पे। आप क्या देखोगे, व्हाट डू यू सी, टू विच पार्ट ऑफ द मैग्नेट डू मोस्ट ऑफ द आयन फाइलिंग स्टिक्स, ऑन विच पार्ट डू वी सी फेवर फाइलिंग्स, व्हाट कैन कंक्लूड फ्रॉम दिस। देखिए, इसके कहने का मतलब सिर्फ यही है कि यहाँ पे अगर आपने रखा ये सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स, मतलब आयन फाइलिंग्स रखा और इसको ऊपर से घुमाया, तो ये आप देखोगे सेंटर में नहीं लगेगा, क्योंकि ये सेंटर में इसके फोर्स नहीं है, एनर्जी कहाँ पे होती है, नॉर्थ एंड साउथ पोल में, यहाँ पे आयन में एक एनर्जी होती है, यहाँ पे नॉर्थ एंड साउथ पोल में, तो इसका जो एंड पार्ट है ना यहीं पे होगा, सारे के सारे यहीं पे स्टिक होंगे, क्योंकि सारी एनर्जी मैग्नेट की नॉर्थ एंड साउथ पोल में होती है, बीच में कुछ भी नहीं होता, ठीक है, एनर्जी बीच में नहीं होती, कहाँ पे होती है, तो दोनों एंड पे। सो द मैग्नेटिक फोर्स इज़ कॉन्सनट्रेटेड एट द टू एंड्स और पोल्स ऑफ अ मैग्नेट, तो जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो कहाँ पे कॉन्सनट्रेट होता है, तो दोनों एंड पे, दोनों एंड पे, जैसे हमने देखा कि दोनों एंड पे इसका फोर्स होता है, दोनों एंड ऑफ पोल्स पे, मैग्नेट का जो एंड ऑफ पोल्स है वहीं पे इसका फोर्स भी होता है, वहीं पे एनर्जी होती है, और इसीलिए वहीं पे चिपकता है आयन। थर्ड पॉइंट क्या है, टेक अ बार मैग्नेट दैट कैन बी कट विथ सीजर्स और अ नाइफ, टेक आयन फाइलिंग्स ऑन अ शीट ऑफ पेपर एंड प्लेस द मैग्नेट ऑन इट, सो मोस्ट ऑफ द आयन फाइलिंग्स विल बी सीन टू स्टिक टू इट्स पोल्स। नाउ कट द मैग्नेट इन टू टू पीसेज एज शोन इन द पिक्चर एंड प्लेस दोज पीसेज एज ऑन पीसेज ऑन आयन फाइलिंग्स, पिक अप ईच ऑफ द पीसेज एंड ऑब्जर्व देन वॉट डू यू फाइंड। देखिए, इसका सिंपल सा मतलब यही है कि मैंने आपको बताया कि हर मैग्नेट का दो पोल होता है, नॉर्थ एंड साउथ, तो अब आप सोच रहे होंगे कि अगर मैं इसे बीच से काट दूं तब क्या होगा, तब तो इसके मैंने आपको बताया कि होता ही होता है, ये कंपलसरी है कि हर मैग्नेट के दो पोल होते हैं, साउथ एंड नॉर्थ, तो आप बोलोगे जब मैं इसे दूसरे पार्ट को काट दूंगा तो तब तो एक ही पोल बचेगा इसका, एक ही पोल बचेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे ही आप इसे कट करोगे सीजर से या नाइफ से, तो ये क्या होगा, इसके इधर जो लास्ट पार्ट है इसके इधर भी वो एनर्जी आ जाएगी, यहाँ पे फिर से ये नॉर्थ और साउथ हो जाएगा। जैसे कि देखिए, सपोज कि ये इस साइड का नॉर्थ था, इस साइड का साउथ था, ठीक है, पोल, तो अगर आपने इस साइड का कट किया तो ये सपोज़ कि नॉर्थ था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा, इस ये जो कट हुआ यहाँ पे साउथ पोल हो जाएगा, और ये जो साउथ पोल यहाँ पे था, यहाँ पे ऑलरेडी साउथ पोल था, तो आपने इधर से कट किया तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल हो जाएगा, ठीक है। मतलब हमेशा और हमेशा कितने भी कट कर दो, फिर से कट कर दोगे, फिर से वो उसमें नॉर्थ साउथ पोल आ जाएंगे, ऑटोमेटिकली वो डेवलप हो जाते हैं अपने आप, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली होता है। सो इफ़ अ मैग्नेट इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वही चीज़ दी गई है इसमें भी, टू इंडिपेंडेंट मैग्नेट्स आर फॉर्म्ड, तो यहाँ पे जैसे ही आप डिवाइड करते हो उसमें से, फिर से
दो इंडिपेंडेंट मैग्नेट आर फॉर्म, दो फिर से नॉर्थ एंड साउथ यहाँ पे अपने आप फिर से डेवलप हो जाता है, फॉर्म हो जाता है। इट मीन्स दैट द टू पोल्स ऑफ अ मैग्नेट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। इसका मतलब है एक मैग्नेट से दो पोल्स लाइक नॉर्थ एंड साउथ कभी भी सेपरेट नहीं हो सकते, कितना भी उसके कटिंग कर दो, कितना भी पीस में कट कर दो, वो नॉर्थ साउथ पोल में रहेगा ही रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जांपल, यहाँ पे नॉर्थ था इधर, इधर साउथ था, कट किया तो इधर भी नॉर्थ आया, इधर भी साउथ आया, फिर इधर भी आया, फिर उसमें से भी कट किया तो इधर भी एक नॉर्थ आ जाएगा, एक साउथ आ जाएगा, ठीक है, एक नॉर्थ। तो मोर मैग्नेट फ्रॉम वन, तो एक मैग्नेट से आप कई सारे बना सकते हो, लेकिन उसमें दो पोल्स रहेंगे ही रहेंगे, कितना भी आप कट कर दो वो रहने वाले ही हैं। ओके, सो अभी सो इसमें के जो रिमेनिंग पार्ट है ना, 3 पेज, ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ तक आई होप कि आपको समझ में आया होगा, सिंपल है, बहुत ही ईजी है, कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत ही सिंपल है। तो बाकी का जो भी बचा हुआ पार्ट है हम देखेंगे पार्ट 2 में। सो कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।